माननीय गृह मंत्री जी उसी को मूल रूप में वापस लाए होते, लेकिन इन्होंने यहां उदारता दिखाई और उसमें 5 वर्षों तक पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी सुरक्षा इन्होंने दी। महोदय, सुरक्षा तो प्रधानमंत्री के लिए बनी थी एसपीजी एक्ट 1988। अब समय समय पर अपनी सुविधा के अनुसार इसका विस्तार किया जाता है। हम समझते हैं कि यह उचित नहीं था, इसलिए कि एसपीजी का एक अपना स्टेटस है, उनकी एक परंपरा है। अब सुरक्षा की बात हो रही है, यहां सुरक्षा की बात तो होनी चाहिए, सुरक्षा के प्रति चिंता होनी चाहिए। और ऐसा लग रहा है इस पूरे चर्चा में कि जैसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था समाप्त कर दी गई, लेकिन ऐसा है नहीं। सुरक्षा की चिंता करना अलग है, और हमको इस विशेष सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था हो ये अलग है। तो आज जो चर्चा हो रही है उससे ये लगता है कि सुरक्षा की चिंता करने के बजाय एसपीजी की सुरक्षा हमको प्राप्त हो इसकी चिंता ज्यादा हो। स्टेटस सिंबल तो अभी सुदीप जी ने कहा स्टेटस सिंबल, और सुरक्षा आजकल स्टेटस सिंबल हो गया, वास्तव में सुरक्षा स्टेटस सिंबल हो गया। सुरक्षा को स्टेटस सिंबल के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सुरक्षा सुरक्षा के लिए होता है। और हम समझते हैं कि जो अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा, माननीय गृहमंत्री जी जब जवाब देंगे तो जरूर उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा कि जो सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी हटा के दी गई है, वो सुरक्षा व्यवस्था कहीं से भी एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था से कम नहीं। हम लोगों ने देखा कि एसपीजी की गाड़ी का इस्तेमाल सीआरपीएफ के लोग करेंगे, हमने देखा कि एसपीजी के सारे चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो सुरक्षा की चिंता करना अलग बात है। अब अभी स्वर्गीय मनीष तिवारी जी चर्चा कर रहे थे, स्वर्गीय प्रधानमंत्री आप कह रहे थे कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की चर्चा कोई मनीष तिवारी जी ने की, डॉक्टर नहीं, और डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने चर्चा की उसके बाद जो इस देश में सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ उनका क्या दोष था। इस देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सुरक्षा में उनके सुरक्षा कर्मी जो तैनात थे उन्होंने उनकी हत्या की, उस देश के पूरे सिखों का क्या दोष था जो खोज खोज के मारा गया। आप डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी बोल रहे थे तो इधर से आवाज आ रही थी, मैं गवाह हूं। श्री रामविलास पासवान जी उस समय 12 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड में रहते थे और मैं भी उनके घर पर उस दिन था। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी थे वहां और उनके साथ एक बैठक चल रही थी। एक ड्राइवर, सिख ड्राइवर, भागता हुआ सड़क से उनके घर में प्रवेश किया और बाहर से लोग आ रहे थे। कर्पूरी ठाकुर जी बाहर निकले, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो उस बेचारे को, गरीब आदमी को, कहा कि मेरी मां मर गई है, आप बात कर रहे हैं, मेरी मां मर गई है, मैं इसको मार दूंगा। और कर्पूरी ठाकुर जी ने दरवाजा बंद कर दिया, उस घर को बाहर से आग लगा दिया गया और कर्पूरी ठाकुर जी के साथ हम सब लोग पीछे का दीवार फांद के बाहर निकले हुए। क्या बात कर रहे हैं, क्या गुनाह किया था उन सिखों ने इस देश के जिनकी हत्या हुई हजारों की संख्या में। आप चर्चा कर रहे थे एसपीजी का, चर्चा कर रहे थे, क्यों खराब लग रहा है आपको। आप बंगाल की बात कर रहे हैं, दादा को बड़ा बड़ा खराब लगा भाई। हम लोग लोकसभा, चलिए लोकसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर वहां कातिलाना हमला हुआ। कहां हो, कहां थे, कहां थे एसपी जी, कहां थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी हमला हुआ था,
मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा कर रहा हूं तो वो एक रैली करने जा रहे थे और पैरामिलिट्री फोर्स ने उनको बचाया, तो आपको भी तो सीआरपीएफ से सुरक्षा मिली है, काहे चिंता कर रहे हैं। तो इसलिए सुरक्षा को स्टेटस सिंबल के साथ नहीं दिखना चाहिए, सुरक्षा को सुरक्षा के साथ जोड़ के देखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो बिल लाया है वो स्वागत योग्य है। अगर इसको प्रधानमंत्री तक सीमित रखते तो और अच्छा होता। इसका विस्तार इन्होंने किया, इनकी उदारता है। मैं इसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और अध्यक्ष महोदय आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। श्री पी आर नटराजन जी, थैंक यू सर। आई फुल्ली अग्री विद दी पॉइंट्स रेज्ड बाय ऑनरेबल मेंबर राजा जी। आई रिक्वेस्ट यू सर